तीन गो नाक है, तीन गो आँख है, जटा है। जटा कहाँ है? जटा यहाँ है और ए साइड में है, तीन गो जटा है। ये सब जटा है, शंकर भगवान का जो जटा है वही जटा है। इसमें ये भगवान का रूप है। चाचा क्या देख रहे हैं आप? जी वो है अखिया, देखो ये आँख ही देखो, आँख देख रहे हैं। हाँ, तीन गो आँख देखे थे कभी? देखिए आँख वो यहाँ है। अच्छा, दिखाइए। और एक आँख यहाँ है और एक आँख यहाँ पे है। तीन आँख है, तीन आँख है, तीन गो नाक है। क्या है, क्या है? शंकर भगवान के रूप है। शंकर भगवान का है? कैसे शंकर भगवान का है? तीसरा नाक शंकर भगवान की था ना, वही तीसरा आँख है। यही तीसरा आँख शंकर भगवान के बीच में के है। हाँ यही है, बीच में ये जयपर है, वही शंकर भगवान के आँख। नाक तीन गो है? नाक भी तीन गो है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तीन गो है। कहीं ना कहीं दो बच्चे का जो मुड़ी है एक साथ जुड़ गया है। नहीं नहीं नहीं, वैसा तो रहता था, दो कान रहता है, चार आँख रहता है। तीन गो है ना जी? आँख तीन गो ना, दो मुड़ी रहता है तो चार होता है। कान तीन गो है? कान दो गो है। अच्छा, तीन गो कान है जी? नहीं, कान दो गो है, आँख तीन गो है। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, आपको क्या लगता है चमत्कार हो सकता है? नहीं है, क्या लगता है आपको? ये तो इधर इधर आइए, इधर आइए। हम चाहते हैं कुछ ऐसे लोग आए बोले, क्या बोल रहे थे? कोई भी चीज़ है ना, जब गर्भ में होता है तो उसका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। हाँ। इसको हम अंधविश्वास मानते हैं कि भगवान है, कोई भगवान नहीं होता है। अब बताइए, ये आस्था की बात बन गई है, लोग यहाँ पे कह रहे हैं पार्वती जी से शंकर भगवान से काम करना चाहिए इंसान को। जब किसी गर्भ में क्या बोलना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं कि भगवान चमत्कार नहीं है। चमत्कार है, ऐसा होने से चमत्कार है, आप बोल रहे नहीं है, कहे जाओ। अरे देखिए, आप कैसे समझाइए, पढ़ा लिखा होगा ना, जो साइंस जो पढ़ा होगा, खासकर जो बायोलॉजी, वो ऐसा मानेगा ही नहीं। नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। हाँ, और इसी तरह कुछ नहीं है। अब लोग कहीं ना कहीं इसका आस्था से जुड़ गए हैं। अब लोग देखिए यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं मालिक आ गया। अच्छा, मालिक से बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लोग पैसे भी चढ़ा रहे हैं और इसका पूजा कर रहा है। बहुत सारे महिलाएं हैं जिसको शिव गुरु मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं आप इनको? शिव गुरु। शिव गुरु कैसे हो सकते हैं? कैसे नहीं हो सकते हैं, तीन गो आँख है, जटा है, सारा चीज तो है, नहीं कैसे है? तो आधा गाय में भी 56 भगवान के पास है। 56 गाय के तो भगवान सारा। गाय को तो हम लोग माता मानते ही, आखिर उन्हीं को गर्भ से न हुआ है। तब मानल गया जटा है, तीन गो विशेष चीज है, तो मानल गया कि गाय वैसु भगवान है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमने भगवान। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? ए विशेष प्रकार का तो जरूर है, तीन नेत्र का तो आज तक हम लोग जानवर का बच्चा सुने नहीं, हम भी गाय पालते हैं, लेकिन तीन नेत्र का बच्चा तो हमने नहीं देखा। यहाँ तो आँखों देखा, तीन गो नेत्र है। आज तक आपने नहीं देखा था? नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखे थे, आज देख लिए। आज देखे, तीन गो आँख देखे, जटा देखे, और क्या चाहिए? क्या क्या है इसमें बताओ तो जरा, क्या क्या है इसमें बताओ तो। तीन गो आँख है, आया वो जटा है, दो गो जटा है, ये तो लग रहा है ये कान है, दो गो जटा है, तीन गो नाक है। तीन गो नाक कहाँ है, दिखाओ तो। अच्छा, आगे है। मालिक कौन है? मालिक आइएगा थोड़ा सा, बुलाइए तो मालिक को। चाची आप कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? भूतनाथ से। क्या देखने आई है यहाँ? शंकर जी को देखने आए हैं। शंकर जी हैं? शंकर जी कैसे हैं? तीन आँख है, तीन नाक है, दो कान है, जटा है, इसीलिए। यहाँ पे लोग पैसे भी चढ़ा रहे हैं, अभी पैसा चढ़ाए हैं? हाँ, हम भी चढ़ाए हैं। कितना पैसा चढ़ाए हैं? 21 रुपया। 21 रुपया के चढ़ाए हैं। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, लगता है कोई मंदिर बनाना चाहिए? एक बोल रहा है मंदिर बनेगा यहाँ पे। हाँ। देखो बोल रहा है, ये जितना पैसा जो हो रहा है, इस पैसा का क्या होगा? सब मंदिर में जाएगा। देखिए मंदिर में जाएगा, ये लोग बोल रहा है कि यहाँ पे खटाल में मंदिर बनाएंगे। देखिए एक और आंटी आई है, क्या देख रही हैं? अभी तो हम भी जस्ट सुने हैं। क्या सुने हैं? सुने हैं कि गाय बच्चा दिया है। हाँ, हाँ। जिनके तीन नेत्र हैं। हाँ, हाँ। दो सिंह, तीन सिंह है। तीन सिंह नहीं है, तीन गो नेत्र है, तीन नेत्र हैं। हाँ, हाँ। और जटा भी हैं। हाँ, हाँ। थोड़ा है, थोड़ा अलग हटके हैं, यहाँ अद्भुत है देखने में। हाँ, यहाँ के लोग को कहना है कि ये शंकर जी और पार्वती जी के रूप में ये जन्म लिए हैं। ऐसा हो सकता है क्या, भगवान आ सकते हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, एकदम हो भी सकता है। भगवान
ऊपर वाला का कृपा है, आ भी सकते हैं। कोरोना ठीक हो जाए, कोरोना तो ठीक हो गया, कहाँ ठीक हुआ कोरोना तो फिर चलो कह रहे कि शिवरात्रि भी नजदीक है। सोचिए तो इसे भी तो अनुमान लगाया जा सकता है कि सही बात है। देखिए एकदम देखने की भी चीज है, एकदम साफ नजर आ रहे हैं, तीन नेत्र है, तीन नेत्र है। देखिए साइंस में इसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें जो इंसान के जो बच्चे होते हैं उनके भी सर जुड़े रहते हैं, वैसे इस बच्चे का भी जन्म हुआ है। और कहीं ना कहीं लोग इसको आस्था से जुड़ के जोर के मान रहे हैं और कह रहे हैं कि महादेव जी का जन्म आया है। बहरहाल इसका मालिक नहीं है अभी, मालिक कहाँ है गाय का? आप ही मालिक है, आप ही का गाय है? हाँ, हम ही का है। कब जन्म हुआ था? 26 जनवरी के दिन, सरस्वती माता के सरस्वती पूजा के दिन। हाँ हाँ, तो कैसे पता चला था कि आपको तीन इसका है आँख है? जब बच्चा दी ना तो वहीं पे ब्याई तो देखे कि तीन ठो इसका आई है, इसका आँख। अच्छा, गाय को बेचिएगा? नहीं, गाय को नहीं बेचिएगा। नहीं, कोई देगा कहेगा कि 1 लाख रुपए ले लीजिए? नहीं, 10 लाख देगा तो नहीं बेचेंगे। 10 लाख भी नहीं, 10 लाख के पास भी तैयार नहीं है कि हम बेचेंगे। 10 लाख में नहीं बेचोगे? नहीं। कितना बेचोगे? 1 करोड़ में? नहीं, बेचवे नहीं करेंगे। बेचवे नहीं करोगे? कहे नहीं बेचोगे? क्योंकि मेरे पापा जी बोले हैं कि लक्ष्मी को नहीं बेचना चाहिए, लक्ष्मी सबके घर में नहीं आता है। शंकर जी आगे। अब कहीं ना कहीं इसको लोग आस्था से मान के देख रहे हैं, महादेव जी का अवतार बता रहे हैं। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।